अब हम जानेंगे कि ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं, लेकिन उनके ट्रीटमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं। हाय, मैं हूं डॉक्टर हिना, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट अपोलो क्लिनिक एंड सीएचडी सिटी हॉस्पिटल चंडीगढ़। ट्रीटमेंट के लिए देखिए, एक होता है जैसे मैंने बात की कि हम एचएसजी करते हैं, कोई छोटा मोटा ब्लॉकेज हो तो वो प्रॉक्सिमल ब्लॉक जो है वो इसके जरिए खुल जाता होता है। उसके अलावा देखिए, अगर तो बाकी ट्यूब हेल्दी है तो हम लैप्रोस्कोपी के जरिए ट्यूब्स को ओपन करने की कोशिश कर सकते हैं, जिसे हम ट्यूबल कैनुलेशन कहते हैं। ट्यूबल कैनुलेशन बहुत ही इजी प्रोसीजर होता है, लेकिन हाँ, ये डिसीजन लेने से पहले कि हमें ट्यूब्स के लिए सर्जरी करनी चाहिए कि नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम बाकी फैक्टर्स को असेस कर लें कि आपकी ओवरीज फंक्शन ठीक कर रही हैं या कोई और फैक्टर तो नहीं है, हस्बैंड के काउंट्स ठीक हैं। अगर हस्बैंड के काउंट्स में कुछ दिक्कत है, या मैं कहूँ कि ओवरीज में नहीं, एक फॉर्मेशन जो है वो प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो हमें लैप्रोस्कोपी की बजाय सीधा IVF के अंदर जाना चाहिए, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के अंदर। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से हमें ऐसे पेशेंट्स में जिनके अंदर और भी फैक्टर्स हैं, तो उसके अंदर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से हमें बहुत हेल्प मिलती है। हाँ, लेकिन कई बार ये होता है कि जैसे ट्यूब में पानी भरा हुआ है, तो उसके अंदर हाइड्रोसाल्विंस के अंदर लगभग 50% चांसेस IVF सक्सेस होने के कम हो जाते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स में कई बार हम ट्यूब्स को या तो रिमूव कर देते हैं, या उनको क्लिपिंग कर देते हैं, या उनका यूट्रस से जो कम्युनिकेशन है उसको बंद कर देते हैं। उस केस में क्या होता है कि जो IVF के सक्सेस रेट्स हैं वो इससे काफी हद तक बढ़ जाते हैं। और कोई अगर आपको इस बारे में क्वेश्चंस हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक यू।